नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप ब्रांच को ऑपरेट कर सकते हो। ये हमारी ब्रांच है, ब्रांच ऑफिस है, इसको हमने ऑपरेट करना है। अगर आपने कहीं भी ब्रांच खोलनी है तो ये पांच बातों का खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले है अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब ये होता है, कोई भी बिजनेस होता है उसमें कुछ परचेज होती है, कुछ सेल होती है, कुछ रखा जाता है, कुछ दिया जाता है, कुछ सर्विस प्रोवाइड की जाती है, कुछ प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। तो उसका अकाउंट्स मेंटेन होना चाहिए कि कितना कैश आया, कितना कैश गया, कौन सी सेल की, कौन सी सर्विस प्रोवाइड की। उसका ऑनलाइन पे अपडेशन होने चाहिए सेंटर में जो हेड ऑफिस है, जितने भी इंफॉर्मेशन है हेड ऑफिस के पास जानी चाहिए डेली बेस पे, हर घंटे की, हर मिनट की, हर सेकंड की, जैसी एंट्री हो वहां भी पहुंच जाना चाहिए। तो यह पहला है। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ, हेड ऑफिस के पास लिमिटेड पैसा है, आप की जो उनकी है बैंक की, मान के लेते हैं कि ब्रांचें हैं, अलग अलग बैंक को अलग अलग लोन की नीड होती है कस्टमर को देने के लिए। तो हेड ऑफिस क्या करेगा कि उनसे पूछेगा, जो दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन, हाँ जी आपको कितने पैसे की नीड है। मान लो कि एक ब्रांच को नीड है 5 लाख की, तो साथ ही साथ वो जो बैंक है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करा देगा, ब्रांच के अकाउंट में ट्रांसफर करा देगा, और ब्रांच है एक या 2 मिनट में वो कैश बाय एटीएम जाकर या जैसे ही उनका सिस्टम होगा वो ले लेगा। तो कम्युनिकेशन जो है फोन की और ईमेल की बहुत ज्यादा होने चाहिए। आप मान लीजिए कि एक बैंक को चाहिए 1 लाख, तो उसको 1 लाख मिलेगा, जिसको 10 लाख चाहिए 10 लाख मिलेगा। इस तरह अच्छा मैनेज हो सकेगा कैश अगर कम्युनिकेशन अच्छी है। नंबर 3 पे आ जाइए, स्टाफ। देखिए ब्रांच चलती है टीम से, एक अच्छी टीम होनी चाहिए, असिस्टेंट, ऑफिसर, मैनेजर, पीएन, सिक्योरिटी गार्ड, ये सभी लगे होने चाहिए। देखिए हम गेम खेलते हैं, क्रिकेट का मैच है, 12 बंदों की एक टीम है, अगर एक भी जो टीम का प्लेयर अच्छा नहीं है तो टीम अच्छी नहीं खेल सकती। अगर आपने ब्रांच को ऑपरेट करना है तो अच्छी टीम आपने पैदा करनी पड़ेगी, ऐसे लोग रखने पड़ेंगे जॉब के लिए जो आपकी जॉब के लिए दिन रात एक कर दें। अब तीसरे पॉइंट है फैसिलिटीज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सीटिंग, फर्नीचर। मान लो जो ब्रांच को चाहिए पानी की फैसिलिटी दो, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी दो, सीटिंग फर्नीचर की फैसिलिटी दो, इंटरनेट की फैसिलिटी दो, इसके अलावा बहुत सारे लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो लगे होने चाहिए। इन लास्ट अगर आपने एक ब्रांच ऑफिस को ऑपरेट करना है उसके लिए एक हेल्प डेस्क होनी चाहिए, हर बंदे के लिए अलग ऑफिस होना चाहिए, उसी के बीच में। मान लो मैनेजर है उसकी सीटिंग अलग होनी चाहिए, मैनेजर की अलग, असिस्टेंट की अलग होनी चाहिए, कैश काउंटर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। सेफ का मतलब ये है कि ब्रांच एक तिजोरी होनी चाहिए, उनको सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए ताकि कोई पैसा लूट के ना लेके जाए, तो ये सिक्योरिटी होनी आवश्यक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ये 5 पॉइंटों को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। एक पॉइंट अकाउंट्स का, दूसरा कम्युनिकेशन का, तीसरा स्टाफ का, चौथा फैसिलिटी का, पांचवा अच्छी सीटिंग, हेल्प डेस्क जितने भी हैं होने चाहिए, तो आपकी ब्रांच दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर सकती है। ओके, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।